जैसे हम बात करते हैं कि डाइट एंड डायबिटीज, डायबिटीज के अंदर डाइट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जो हम पूरे दिन में खाते हैं वो हमारे शुगर लेवल को कैसे इफेक्ट करता है, हमारे ब्लड पैरामीटर्स में डायरेक्टली दिखता है। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम बात करते हैं डाइट एंड डायबिटीज, एक सिंपल टर्म जो यूज होता है, जो फॉलो करना चाहिए, इज लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन डाइट। सो कार्बोहाइड्रेट यानी क्या? कार्बोहाइड्रेट यानी जो हमारा चपाती है, चावल है, पास्ता है, नूडल्स है, या फिर दूसरे तरह के ग्रेन्स जो होते हैं, रागी, बाजरा, जवारी, ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। आलू, स्वीट पोटैटो, कैरेट, कुछ वेजिटेबल्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो ये सारी चीजें हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो अगर हम देखने जाए तो इंडिया में या हमारी जो इंडियन लाइफस्टाइल है, हमारा हमारे खान पान में सबसे ज्यादा या बेसिक कंपोनेंट हमारे डाइट का कार्बोहाइड्रेट होता है। रोटी, चावल, उसके अलावा हमारा खाना कंप्लीट नहीं होता। फॉर डायबिटिक या फिर जिसे डायबिटीज है, उनको मैनेज करने के लिए या उनके ब्लड पैरामीटर्स मैनेज करने के लिए हम ये कहते हैं कि रोटी है, चावल है, वो सारी चीजें आपको बंद नहीं करनी है, बट थोड़ी कम मात्रा में खानी है। और उसके साथ प्रोटीन, प्रोटीन यानी दाल हो गया, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स है, चिकन है, वो सारी चीजें एक बैलेंस्ड वे में उसके साथ खानी है। यानी अगर रोटी खा रहे हो तो रोटी के साथ एक अच्छे प्रमाण में सब्जी, जो फाइबर का सोर्स रहेगा, और अच्छे प्रमाण में प्रोटीन यानी कि दाल हो गया या एग करी हो गया, जो प्रोटीन का सोर्स होगा। दाल हो सकता है, पनीर हो सकता है, दही हो सकता है, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेस रहते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि रोटी या चावल के साथ ये सारी चीजें, प्रोटीन और फाइबर विच कम्स फ्रॉम आपके पल्सेस, पनीर, एग या चिकन एंड वेजिटेबल, जहां से हमारा फाइबर आएगा, जो हमारे शुगर को थोड़ा बैलेंस करने के लिए हेल्प करेगा एंड इमीडिएट स्पाइक नहीं होगा। अगर आप ज्यादा रोटी, ज्यादा चावल खा रहे हो और एकदम कम मात्रा में सब्जी और दाल, या एकदम कम मात्रा में सब्जी और पनीर खा रहे हो, तो ऑटोमेटिक चांसेस है कि आपकी शुगर लेवल स्पाइक होगी। सो देर हैज टू बी, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए आपकी प्लेट में, जहाँ पे हर चीज का एक सही प्रमाण होना चाहिए। और फॉर डायबिटिक्स हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि रोटी और चावल का प्रमाण थोड़ा कम, और उसके साथ एक गुड अमाउंट ऑफ सब्जी और एक अच्छे प्रमाण में प्रोटीन, जो आपके एग, पनीर या दाल से आएगा। शुगर हम यूजुअली ये कहते हैं कि शक्कर, भले कोई डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, शक्कर सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है इन जनरल। फॉर डायबिटिक्स हम कहते हैं कि आप जीरो डाउन कर दो अपना शुगर इनटेक। अगर आप रेगुलर कंजम्पशन करते हो, या फिर अगर आप रेगुलरली शक्कर खा रहे हो कुछ रेसिपी में, तो पहले उसका प्रमाण कम करो, धीरे धीरे प्रमाण कम करते जाओ और फिर जीरो करो। रही बात, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर शक्कर नहीं तो मैं गुड़ या शहद खाऊंगा तो उससे मेरी शुगर ठीक रहेगी, एंड इट इज सेफ। अगर मुझे डायबिटीज भी है तो मैं गुड़ और शहद बहुत हैप्पीली खा सकता हूँ, वो शुगर को हार्म नहीं करेगा। बट एक चीज यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है, गुड़ और शहद भी एक तरह की शक्कर ही है, तो ऑब्वियसली वो आपके शुगर लेवल्स बढ़ाएगा या फिर आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक करेगा। तो अगर आप शुगर अवॉइड कर रहे हो तो उसके सब्स्टिट्यूट्स, जो हम बोलते हैं गुड़ और शहद, वो भी आपको अवॉइड करने हैं। इन केस आप कंज्यूम करते हो शुगर, शहद या गुड़, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। सो ऐसा नहीं है कि गुड़ या शहद खाओगे तो शुगर कम हो जाएगी, या शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, ऐसी ही रहेगी, और आप मिठास के लिए वो एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करो, बिल्कुल नहीं। शक्कर शक्कर है एट द एंड ऑफ द डे, भले वो गुड़ से आए, शहद से आए, या नॉर्मल रिफाइंड शुगर से आए। सो एक ही सिंपल गाइडलाइन रहेगी फॉर डायबिटिक्स कि प्रेफरेबली अवॉइड, एंड अगर कंज्यूम करते हो तो प्लीज आपका शुगर लेवल एक बार ट्रैक करके आपको समझना है कि कितने अमाउंट में सही है। बट शुगर सेहत के लिए हानिकारक है, बी डायबिटिक और अ नॉन डायबिटिक। डायबिटिक्स के लिए यूजुअली जो फूड आपको, मतलब जो चीजें या जो फूड अवॉइड करना चाहिए आपके ईटिंग प्लान से, 100% वो रहेंगे आपके पैकेट और प्रोसेस्ड फूड। सो जो भी चीजें रेडीमेड पैकेट में आती है,
वो प्रेफरेबली अवॉइड करो जब तक आप घर का सिंपल खाना खा सकते हो, जहां पे आप श्योर हो कि उसमें क्या क्या डल रहा है वो बेस्ट है. सेकेंड, आजकल शुगरी सीरियल्स या फिर हम जो रेडीमेड सीरियल्स मिलते हैं वो 100% अवॉइड करना है. अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, कोल्ड ड्रिंक है या फ्रूट जूसेस है या टेट्रा पैक ऑफ फ्रूट जूसेस है, प्रेफरेबली अवॉइड दैट, बिकॉज वो फ्रूट जूसेस अगेन दे आर लोडेड विद शुगर या फिर शुगर के सब्स्टिट्यूट्स. फ्रूट जूसेस अगेन अगर होममेड भी है विदाउट शुगर, आई वुड एडवाइज डायबिटिक्स के लिए फ्रूट जूसेस इज अ टोटल नो, बिकॉज वो आपके शुगर लेवल्स एकदम से स्पाइक करेगा. सो थर्ड, मैदे वाली चीजें, सो ब्रेड, बिस्किट, खारी, टोस्ट, बिकॉज मैदा है सो मैदा शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो इमीडिएटली हमारी शुगर स्पाइक करेगा. सो मैदा बेस्ड प्रोडक्ट्स प्रेफरेबली अवॉइड करना है. डायबिटीज ऑब्वियसली दो तरह के होते हैं, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2. जब हम टाइप 1 की बात करते हैं, टाइप 1 यूजुअली यंगर एज में देखा जाता है, उसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं एंड इट इज यूजुअली सीन एट अ वेरी यंग एज, ओल्डर एडल्ट्स में नहीं दिखता है. एंड यूजुअली इन केसेस में टाइप 1 डायबिटीज में पेशेंट इंसुलिन पे डिपेंडेंट रहता है, बिकॉज उनकी जो बॉडी है इंसुलिन नहीं बना पाती एक लेवल के बाद, इसीलिए उन्हें एक्सटर्नल इंसुलिन की जरूरत पड़ती है. अभी यहाँ पे जब हम डाइट की बात करते हैं टाइप 1 डायबिटिक्स की, तो ऑब्वियसली उनकी डाइट टाइप 2 से थोड़ी अलग होती है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन एंड उनकी इंसुलिन डोसेज के हिसाब से हम कार्ब लोड या कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग करके उन्हें खाना देते हैं. सो इट विल बी अ लिटिल डिफरेंट देयर. कुछ मेजर रेस्ट्रिक्शंस दोनों डायबिटिक्स के लिए सेम रहते हैं, बट टाइप 1 के लिए हम यही कहते हैं कि उनके जो इंसुलिन डोसेज है, उनकी जो एक्टिविटी लेवल्स है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन किए जाते हैं. सेकेंड, टाइप 1 के लिए दूसरी बात ये रहती है, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत यंगर एज में देखा जाता है, तो ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक यंगर एज तो उसमें बच्चे होते हैं. सो बच्चों की लाइफस्टाइल या फिर ईटिंग हैबिट्स एवरी नाउ एंड देन या फिर एवरी एज ग्रुप पे बहुत अलग रहती है. सो वो सारी चीजें कंसिडर करके बनाया जाता है, उसमें कोई स्टैंडर्ड प्लान नहीं रहता है और बहुत सारा कस्टमाइजेशन लगता है कंसिडरिंग द ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज यंगर एज किड्स है, स्कूल गोइंग किड्स है, तो उनके एक्टिविटी लेवल्स भी अडल्ट से काफी अलग रहते हैं. इंसुलिन डोसेज, कार्बोहाइड्रेट काउंट या फिर फैमिली की ईटिंग हैबिट्स, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी व्हेन इट कम्स टू टाइप 1. नाउ व्हेन इट कम्स टू टाइप 2, ऑब्वियसली इट इज सीन इन द यू नो ओल्डर एडल्ट्स पोस्ट 30. आजकल 25 के बाद ही वी सी लॉट ऑफ केसेस बीइंग टाइप 2 डायबिटिक्स. एंड दूसरा रहता है टाइप 2 डायबिटिक्स व्हेन दे आर यू नो जब डायग्नोसिस होता है तो ऑब्वियसली वो लोग ओरल पिल्स पे रहते हैं या फिर ओरल मेडिकेशन पे रहते हैं उनकी शुगर मैनेज करने के लिए, तो उनकी ईटिंग हैबिट्स टाइप 1 से मतलब ईटिंग प्लान टाइप 1 से थोड़ा अलग रहेगा. प्लस टाइप 2 के लिए कुछ सिंपल गाइडलाइंस, बेसिक गाइडलाइंस लाइफ टाइम उन्हें फॉलो करनी ही है, बिकॉज वो इंसुलिन पे नहीं है, वो ओरल मेडिकेशन पे है, इसीलिए. जब हम बात करते हैं फ्रूट्स और डायबिटीज की, तो ऑब्वियसली फ्रूट्स सारे खा सकते हैं, उसमें कोई परहेजी नहीं है. बहुत जो दो तीन फैक्टर्स विच विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल जो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, वो ये है कि आप कौन से टाइम पे फ्रूट खाते हो, कैसे खाते हो, किस फॉर्म में खाते हो और किस मील के साथ खाते हो. तो हम यूजुअली डायबिटिक्स को ये एडवाइस करते हैं कि फ्रूट एज अ मिड मील खाओ या एक्सरसाइज के पहले खाओ, ताकि उसकी शुगर बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाए. एंड प्रेफरेबली उसको खाने के साथ, मतलब ब्रेकफास्ट के साथ या लंच के साथ, एडिशनली फ्रूट एज अ कॉम्पोनेंट ना खाए, बिकॉज अगर आप खाने के साथ खाते हो फ्रूट तो इट इज लाइक एडिशनल कैलोरी या एडिशनल शुगर टू द फूड, तो इमीडिएट स्पाइक करेगा, प्लस फ्रूट के जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा. सो प्रेफरेबली फ्रूट एज अ मिड मील और प्री एक्सरसाइज मील. थर्ड, जब भी फ्रूट खाते हैं, जैसे हम कोई मीठा फ्रूट खा रहे हैं, केला हो गया या चीकू हो गया या सीताफल हो गया, तो उसके पोर्शंस थोड़े छोटे होंगे और उसके साथ प्रेफरेबली उसके साथ हमेशा नट्स एंड सीड्स खाए, जैसे ड्राई फ्रूट्स खाए. तो अगर सपोजिटली आप केला खा रहे हो तो मे बी हाफ केला और उसके साथ 5 रात को भिगोई हुई बादाम, 1 भिगोई हुई अखरोट, 1
ड्राई डेट, ये कॉम्बिनेशन, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स है वो शुगर लेवल को इमीडिएट स्पाइक करने नहीं देगा. सो प्रेफरेबली हमेशा पेयर में खाए. जब भी फ्रूट खाते हैं तो उसके साथ थोड़े से नट्स एंड सीड्स इन कॉम्बिनेशन खाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी शुगर लेवल बैलेंस्ड रहेगी. प्रेफरेबली एज अ मिड मील खाए, प्री एक्सरसाइज खाए, और ना कि लेट इवनिंग या लेट नाइट, वैसा नहीं खाए बिकॉज आपकी शुगर फिर स्पाइक होगी.